प्रकाशित वाक्य अध्याय एक। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सातों कलीसियाओं का अभिवादन। यूहन्ना की ओर से आसिया की सात कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राज्यों का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। यूहन्ना को मसीह का दर्शन। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमूस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और समुर्ना और परिगमुन और थुआतीर और सरदीस और फिलदिल्फिया और लोदिकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की सात दीवटें देखी,
और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तुमने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। जय मसीह जी। दोस्तों, फोकस जीसस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल पर परमेश्वर आपको लेकर आया है। परमेश्वर इस चैनल के द्वारा आपको आशीष देना चाहते हैं। मैं जानता हूं हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, जो इस चैनल में हमारे पास है, आपके लिए जीवन है, आपके लिए छुटकारा है, आपके लिए आपकी आशा है, आपकी प्रार्थना है। इन वचनों को सुनिए, इन वचनों के साथ प्रार्थना कीजिए, इन वचनों को चलाकर घर में छोड़ें। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करेगा। इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा अगर आपको आशीष मिली तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, हम कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं।